हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे खड़ी होगी। मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में देखिए सबके सब सो रहे हैं। मैं चल देती हूँ मतलब चाय बनाने के लिए फटाफट सीढ़ी से उतरते हुए। देखिए मैं चल दी फटाफट, मैं जागरण में बनाऊँगी चाय और सबके लोग सबको दे दूँगी। उसके बाद में सब खड़े होते हैं, मतलब कभी खड़े हो जाते हैं, कभी लेटे रहते हैं, लेकिन खड़ी जा मैं ही होती हूँ और सबके सब लेटे रहते हैं। देखिए मैंने ले लिया लोटा क्योंकि मैं सिलाऊँगी कोले, और मैंने चाय को मैंने चढ़ा रखा है क्योंकि जो पतीला होता है चाय बनाने वाला बाहर ही रखा होता है। तो चाय रखने के बाद में फिर मैं किचन का गेट खोलती हूँ और ये देखिए फिर मैं चल देती हूँ मोटर चलाने के लिए। लेकिन पानी आज नहीं आया है, देखिए पानी नहीं आया हुआ, तो मोटर को मैं नहीं चलाती हूँ, मतलब लाइट को ही ऑन कर देती हूँ क्योंकि मोटर पहले मैं देख लेती हूँ कि पानी आया हुआ है नहीं आया हुआ। आया हुआ होता तो मोटर चला देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं चलाती हूँ। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं आया। उसके बाद मैं मेन गेट खोल देती हूँ और मेन गेट को खोलने के बाद में फिर कोले सिला देती हूँ जो कि मैं डेली सिलाती हूँ, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम के ऊपर सिलाती हूँ। और कल से थोड़ी बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हुई, कोई बात नहीं, देखते हैं, मतलब दवाई लेती है ठीक हो जाती है, लेकिन मतलब इस परमानेंट ठीक नहीं होती है, मतलब इसकी वर्जी होती है तभी खड़ी हो जाती है, मतलब सांस खड़ा हो जाता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तब तक कोले सिला कर आती हूँ, तब तक मेरी चाय उबल जाती है और उसमें मैं दूध डाल देती हूँ। और दूध डालने के बाद में जितने भी कल रात को बर्तन धोए थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा है, कल बहुत ज़्यादा है, और उन सबको उनकी जगह के ऊपर मैं सेट कर देती हूँ फटाफट, जो जहाँ का होता है वहीं के ऊपर। मतलब ये जितनी भी किचन जची हुई है मेरे अनुसार नहीं जची हुई है, ये जो मेरी सासू माँ जी हैं इनके अनुसार ही जची हुई है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ भी नहीं जचा क्योंकि मतलब उनकी मतलब उनको ऐसे जचाना पसंद है तो उन्होंने ऐसे जचा रखा है, मैं वैसा का वैसा फॉलो कर देती हूँ। और उसके बाद मैं चल देती हूँ, मैं देखिए पानी गर्म करने के लिए साइकिल को मैंने साइड में लगा दिया है, मोटरसाइकिल को थोड़ा मतलब अंदर खड़ा करने लग गए हैं क्योंकि उसका यूज कम करते हैं, ज़्यादातर साइकिल का यूज करते हैं। और उसके बाद मैं आग जलाने का काम शुरू कर देती हूँ। देखिए मैंने आग जलानी शुरू कर दी, थैले वगैरह डाल देती हूँ, लकड़ियाँ भी डाल देती हूँ और उसके बाद मैं लगाते देती हूँ आग, मतलब फिर पानी आज लगभग ठीक टाइम के ऊपर मतलब गर्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, कभी कभी देता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा देता है, मतलब कभी कभी तो घंटा भी लगा देता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, रेयर चांस होते हैं। लेकिन कभी आज पानी ठीक गर्म हो गया था, फटाफट लकड़ियाँ लगाई और जितना भी मतलब छोटा मोटा टुकड़ा होता सारी की सारी जल कर राख हो जाती है। मतलब इस टंकी का ये फ़ायदा है कि मतलब इसकी कचरे को स्टोर नहीं होने देती, जो भी जितना भी जलने का कचरा होता है सब कुछ हम इसके अंदर डाल देते हैं और पानी गर्म होता रहता है। और फिर जब मैं पानी गर्म कर रही थी तो क्या है, मतलब जो बिल्ली है वो मतलब जो मतलब बिल्ली अपने बच्चे को बुलाने की आवाज़ होती है वो कल से निकाले जा रही है, कल से निकाले जा रही है, मतलब परसों तो हमने उसको बिल्ली के बच्चे को देखा था, मतलब जिसका ना हमने नया चिम्मू रख रखा है वो दिखाई दिया था, लेकिन आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, हमने सोचा कि उसको कहीं छोड़ कर आई हुई है, लेकिन फिर वो वैसी आवाज़ करने लग जाती है। तो कल तो मतलब बहुत ढूंढते वो नहीं मिलता है। फिर रात को मैं ये सोचती हूँ कभी मतलब गुन्नू के जन्मदिन वाले दिन मशीन चलाई थी कभी वो होद में ना गिर गया, तो फिर आज सुबह सुबह मैं होद खोल कर चेक करती हूँ कि वो उसके अंदर है या नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं है, मतलब दिख जाता है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है। और उसके बाद में मैं होद को बंद कर देती हूँ, वॉशिंग मशीन को भी खोल कर देख लेती हूँ कभी वो उसके अंदर तो नहीं है, मतलब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और बिल्ली कल से लगातार बोले जा रही, मतलब घर के अंदर भी आकर बोलती है, बाहर भी बोलती है, मतलब चूहिया लेकर आती तो भी बोलती है, और क्या बोलते हैं उसको, रोटी लेकर आती तो भी बोलती है, मतलब उसको बुला रही है कि आ जा, लेकिन वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा और वो आ भी नहीं रहा है कि मतलब वो हाँ। फिर गुनू के पापा ने कहा लगता है वो कुत्ते वगैरह के मतलब कुत्ते वगैरह ने उसको खा लिया है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, देखते हैं आज शाम तक दिखाई देता है या नहीं देता, लेकिन मतलब वो बेचारी बार बार कुछ ना कुछ लेकर आ रही है और मतलब उसको देने के लिए बुला रही है कि आ जा आ जा, लेकिन वो नहीं आता। जो फिर जो उसका बड़ा बेटा है मतलब चिम्मू है, जिसका नाम हमने चिम्मू रख रखा है, जो कि मतलब बोलने पर मतलब हमारे बोलती है आवाज़ देती है कि चिम्मू आ जाए तो वो आ जाता है, तो वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर इतनी दूर से भाग कर आता है बेचारा, इतनी दूर से क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब लेकिन फिर भी मतलब बिल्ली उसको मतलब घुर्राती है बोलो, और वो ये सोच कर आता है कि उसकी मम्मी उसको बुला रही है, और उसकी मम्मी बुला रही है जो नया बेबी पैदा हुआ है उसको, लेकिन वो कल से दिखाई नहीं दे रहा, बहुत मतलब उसको उसकी आवाज़ सुनते मतलब पैरों में अजीब सा होने लग जाता है। देख इस एक माँ अपने बच्चे को कैसे ढूंढ रही है,
मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा, मिल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का टाइम है। और फिर मतलब कल से ही नहीं दिखाई दे रहा, और कल से वो वैसे की वैसी आवाज़ किए जा रहा है, किए जा रही है। क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब यदि इस वैसी आवाज़ आप मेरे मतलब आपको दिखा पाई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, फिर भी मेरे को चैन नहीं मिलता। मैं दोबारा होद खोल कर देखती हूँ, हो सकता है कि मतलब आप दिख जाए कि जो ये जो सफ़ेद सफ़ेद कट्टा दिखाई दे रहा है वो इसके नीचे भी ढूंढ कर गई है उसको। फिर मैंने सोचा हो सकता है मतलब गलती से रह गया, तो मैंने दोबारा चेक किया है लेकिन वो नहीं दिखाई देता है। और फिर यहाँ पर भी वो बैठ कर उसी को बुला रही थी, तो फिर मेरा चिम्मू मतलब जो हमारा चिम्मू है ये फिर आ जाता है कि मम्मी बुला रही है, लेकिन इसकी तरफ फिर घुर्राने लग जाती है। तो ये डर के मारे अंदर चला जाता है और बोलता रहता है म्याऊ म्याऊ। उसके बाद में मैं उसको दो मतलब रोटी दे देती हूँ, क्योंकि वो बार बार बोल रहा था कि म्याऊ म्याऊ, तो मैं उसको रोटी दे देती हूँ। रोटी देती हूँ तो क्या है, बिल्ली अब उस रोटी को लेकर साइड में चली जाती है, तो मैं चिम बिल्ली के बच्चे को दूसरी रोटी दे देती हूँ कि ले खा ले। हाँ खल खल उसके बाद में वो रोटी खाने लग जाता है, और देखिए दोनों माँ बेटे आराम से बैठकर काफ़ी देर तक रोटी खाते रहते हैं। बिल्ली फिर वैसे ही आवाज़ करते हुए चलती रहती है, बोलती रहती है, और देखिए वो चली जाती है। और मतलब कल से वो वैसे ही आवाज़ की जा रही है कि बच्चा उसके पास में आ जाए, लेकिन कल से वो दिखाई नहीं दे रहा। मतलब पूरे जितने घरों में वह जाती थी आस पास में सब घरों में चेक कर करा चुकी है, और पता नहीं कितनी बार चेक कर लिया, मतलब हर मतलब आधे घंटे के अंदर ही वापस आ जाती है। और फिर वही आवाज़ करती है कि मतलब चिम्मू आ जाए, मतलब नया चिम्मू आ जाए, लेकिन वो नहीं आता है। तो गुन्नू के पापा बोले कि हो सकता है उसको कुत्ते वगैरह ने खा लिया और इसने देखा ना हो, इसलिए ये ढूंढ रही है उसको। और ये देखिए बाबा जी को मैंने कर दिया तैयार, बाबा जी को दिखा दिया शीशा, और बाबा जी को दिखाने के बाद मैं देखती हूँ खुद, मतलब ये काम मैं डेली करती हूँ, मतलब ये काम मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा हुआ तो मैं वैसा करती हूँ, मतलब किसी ने बता नहीं रखा। मैं ये कहूँ कि मेरे को किसी ने बता रखा, मैं उसी के अनुसार करती हूँ। नहीं मतलब जो भी सिस्टम मैं करती हूँ भगवान का, पूजा पाठ का, वो सब मतलब यूट्यूब से देख कर ही करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और ये देखिए फिर मैं लग गई हूँ मेरे बाबा जी की पूजा करने के लिए, और इसमें मतलब मेरा बाबू मेरा साथ दे रहा है। मतलब कभी कभी मेरा बाबू जी भी मेरे साथ में पूजा करने के लिए आ जाता है, तो आज भी आ गया है। और ये कह रहा है कि मम्मा जी चेष्टा बाबू की दो ज्योत बना कर दे, मतलब चेष्टा बाबू भी खा मतलब ज्योत करेगी तो उसकी ज्योत अलग से बना कर दो, तो मैं उसकी बात बना देती हूँ। और पहले उसका टोपा वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि मतलब क्या है मतलब सर्दी वगैरह से बचने के लिए मैं बार बार उसको चेक करती रहती हूँ। और तो मैंने उसको सब कुछ ठीक कर दिया है, और फिर मैं उसके बात बनाकर उसको दे देती हूँ। और ये देखिए मतलब दे दी है मेरा बाबूजी को, और बाबूजी फिर वो उल्टी ही मतलब बात को उल्टा ही घुमा रहा है, सीधा नहीं घुमा रहा है। कल पिछली बार की थी तब भी इसने ऐसे उल्टा घुमाया था, और आज भी ये उल्टा ही घुमा रही है। और ये देखिए इसने कर ली है बाबा जी की पूजा। मैं कह रही हूँ बाबू जी क्या कर रही है, कर रही है बाबा चेचा जी पूजा, मतलब वो ये नहीं बता रही कर क्या रही है, बस मन में बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है पता नहीं, और इसको अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, लेकिन हमें ये पता है कि पूजा करने के बाद में बोलते हैं, तो बस बोलने जा रही है। और ये देखिए इसकी पूजा कंप्लीट हो गई है, अब मैं चल देती हूँ मेरी तुलसी मैया को जल देने के लिए। तुलसी मैया को मैंने अंदर रख रखा है कमरे के अंदर, उसके बाद में सूर्य देवता को जल दे देती हूँ, जो कि मुझे इस साइड से दिखाई देते हैं, क्योंकि इस साइड में हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है। देखिए मैंने दे दिया है सूर्य देवता को जल, और जाता देखिए अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे बाबा जी क्या कर रहे हैं। मतलब बाबा जी को तैयार तो मैंने पहले कर दिया था, देखिए बाबा जी को फिर मैं भोग लगा देती हूँ, आराम से बैठे हुए थे बाबा जी, और फिर बाबा जी को भोग लगा दिया, देखिए फटाफट मुँह भी साफ कर दिया। उसके बाद में मैं लग जाती हूँ सफाई के अंदर, मतलब जो चादर वगैरह है, रजाई वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह है, सबको ठीक करने के लिए। और चेष्टा बाबू यहाँ पर लेटा हुआ है आराम से। उसके बाद में मैं रजाई वगैरह ब्लैंकेट वगैरह को समेट कर रख देती हूँ, क्योंकि दूसरे कमरे में रखते हैं, इस कमरे में मतलब चिमू का डर बना रहता है कि कभी चिमू मतलब आकर पोटी वगैरह ना कर दे, लेकिन मतलब डर तो बना रहता, करता तो बहुत कम है लेकिन फिर भी डर रहता है, क्योंकि उसने दिवाली के बाद में उसने शायद 3 बार या 4 बार कर लिया, तो बहुत डर रहता है, तो इसलिए वो हमेशा रजाई और ब्लैंकेट को उस कमरे में ही रखती हूँ। और ये देखिए अंदर कंप्लीट हो गई है सफाई, अब कर देती हूँ बाहर फटाफट झाड़ू लगाने का काम। और ये देखिए बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में मैं चेष्टा बाबू को नीचे छोड़ कर आ जाती हूँ, तो नीचे से ही चेष्टा बाबू मेरे को बोल रहा है, तो मैं उसकी बात का जवाब देती हूँ और फिर लग जाती हूँ फिर अपने काम के ऊपर। हाँ कमरों की सफाई मैंने कंप्लीट कर दी है, बाहर की रह गई है और बाहर की मैं लगी हुई हूँ फटाफट। और कल से तो अस्थमा ने भी प्रॉब्लम कर रखी है, और बिल्ली ने भी मतलब बिल्ली ने प्रॉब्लम तो नहीं कर रखी, बिल्ली खुद मतलब
प्रॉब्लम में है, लेकिन क्या करें, उसकी प्रॉब्लम का तो कोई भी हल नहीं है बेचारी का। मेरी प्रॉब्लम का कम से कम दवाई तो है, और कल भी दवाई ले ली थी, आज भी मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी। मतलब कंटिन्यू नहीं बोला जाता, बहुत कोशिश करती तो भी मतलब रुक रुक कर ही आवाज़ आती है। और ये देखिए मेरी पूरा झाड़ू लगाने का काम कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में मैं चल देती हूँ सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए। ऊपर मेरी पूरी सफाई कंप्लीट करके आ गई हूँ, मैंने सीढ़ियों में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है नीचे, और अब मैं नीचे झाड़ू लगा कर और नीचे की सफाई करने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। मतलब खाना मामी सब बहुत लेट खाती है, मतलब ये रहता है कि ये काम कंप्लीट करके फिर मैं खाना खाऊँगी, ये काम कंप्लीट करके फिर खाना खाऊँगी, तो ऐसे करते करते बहुत लेट जाती। हाँ, वो सब ने खाना खा लिया, चेष्टा बाबू को मतलब जब बाबा जी को खाना दिया था तब मैंने खिला दिया, मतलब बाबा जी को बिस्किट दे दिए थे, चेष्टा बाबू को पराठा खिला दिया था। गुन्नू खा कर जा चुकी है और लेकर जा चुकी है, मतलब एक मैं हूँ जिसने कुछ भी नहीं खाया है। और ये देखिए इस कमरे की मैंने सफाई करनी शुरू कर दी है, उस साइड का मैंने झाड़ू कम्प्लीट कर दिया है, और आज मैं पानी लेट गर्म करूँगी, क्योंकि गुन्नू के पापा कह रहे थे कि पानी मतलब लेट गर्म करना, क्योंकि मतलब उनको कहीं जाना है, मतलब जब भी मतलब कोई गुजर जाता है तो वहाँ पर जिस घर में जाते हैं तो उसका मतलब वहाँ से क्या जितने भी कपड़े पहन कर जाते हैं ना वो सारे के सारे धोने पड़ते हैं, और दूसरा वहाँ से आकर नहाना पड़ता है। तो गुन्नू के पापा बोले कि मैं लास्ट में ही और सबसे लेट ना आऊँगा, क्योंकि पहले वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी होता है, कि मतलब खुशी में जाओ या ना जाओ, पड़ोस में या रिश्तेदारी में, लेकिन गमी में जाना पड़ता है और ज़रूरी भी होता है। तो मैं गुन्नू के पापा वहाँ पर गए हुए हैं, और फिर मैं पानी गर्म कर दूँगी और ये नहा लेंगे आके। तो मतलब आज वहाँ से सफाई अभी तक मैंने की नहीं, वहाँ पर सफाई करूँगी मैं सबसे लास्ट में, पहले फ़िलहाल तो अंदर की करूँगी। ऊपर की कंप्लीट कर दी, नीचे की भी देखिए मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चेष्टा बाबू आराम से अपने घूम रहा चक्कर काटता हुआ, और चेष्टा बाबू को भी अभी तक मैंने नहीं नहलाया है, क्योंकि पानी गर्म होगा तभी नहलाएंगे, और पानी में थोड़ा लेट गर्म करूँगी। देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, और ये देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई, और अब मैं खाऊँगी खाना, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। देखिए किचन वगैरह सेट हो चुकी है, और खाना लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और मतलब सबसे लास्ट में मैं और बाबा जी बचे हुए हैं। देखिए इस साइड भी कंप्लीट, उस साइड भी कंप्लीट, और ये देखिए मेरा ये पौधा बिल्कुल सूख चुका है। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ ऊपर की भी कंप्लीट, देखिए सारी की सारी मतलब मैं उस टाइम के ऊपर आपको दिखा नहीं पाई, अब मैं पूरी की पूरी दिखा रही हूँ। देखिए चेष्टा बाबू ये रहा और ये कह रहा है देखिए, और ये सारी मिर्च सुखा रखी हैं, मतलब काफ़ी दिन हो गए सूख नहीं पा रही हैं बेचारी, क्योंकि मौसम ऐसे मतलब ठंडा ठंडा सा रहता है इसलिए। और ये देखिए बाबा जी को खाना दे दिया, और मैं इस टाइम के ऊपर खाना खाऊंगी बाबा जी को देने के बाद में, मतलब जो भी चीज़ें मैं खाती हूँ बाबा जी को देने के बाद में खाती हूँ। और इस टाइम के ऊपर मतलब पानी वगैरह सब कुछ सबका गर्म हो चुका है, क्योंकि गुन्नू के पापा आ गए थे तो उनका भी पानी गर्म कर दिया है, और चेष्टा बाबू का भी हो गया। और फिर मैंने यहाँ से सफाई करनी शुरू कर दी, यहाँ से साफ़ करने के बाद में मैं सीधा पाइप लगा कर धो देती हूँ, क्योंकि एक कारण किया कि मतलब टंकी के अंदर पानी ख़त्म हो चुका है, और हौद में से पानी लगा रखा है टंकी के ऊपर तो पानी चल रहा है, मतलब ताज़ा पानी नहीं आया हुआ है, और मतलब जो ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं हौद में से उसी पानी से मतलब पाइप लगा कर मैं फटाफट यहाँ से धो देती हूँ। अंदर की मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से मैं धोकर फिर करूँगी मैं कपड़े धोने का काम, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि कल थर्सडे था तो कल की भी है और आज की भी है। ये मेरी शाम की चाय है जो बाबा जी को दे दी है, और इतने सारे कपड़े धोए, मतलब ये कपड़े धोते हुए भी मुझे इतनी सारी दिक्कत हुई है बहुत ज़्यादा। एक तो बिल्ली बेचारी ऐसे पाँव मतलब बोले जा रही है ना, तो उससे क्या पैरों में अजीब सी सर 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 सी मतलब अजीब सा होता जा रहा है, और मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये मेरा रात का खाना है जो कि मैंने बाबा जी को दे दिया है, बिल्ली का बच्चा अभी तक उसको नहीं मिला अपनी माँ को, मतलब मेरे हिसाब से तो वो है ही नहीं, और कितने घंटे हो गए अब तक तो होगा, तो भी बेचारा मर चुका होगा भूख के मारे। और ये देखिए बाबा जी सो गए, बाबू जी सो गए, बा